इसको कैची का साग बोलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। गाइज ऐसा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, हम सब भी यहाँ स्वस्थ हैं। तो गाइज कल के ब्लॉग में आप देख रहे हैं क्या मस्त हमने पुलाव खाया है और मटन खाया है। और गाइज वो खासियत इस बात की है कि होममेड घी में पुलाव बनाया था ड्यूटी ने। अगर वो ब्लॉग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिए, अच्छा लगेगा। और गाइज आज का ब्लॉग गुड मॉर्निंग हो चुका है, शुरू कर दिया हमने। और गाइज किट्टू स्कूल गई है, बहुत प्यार से स्कूल गई, बिल्कुल भी क्रिप नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं रोई है, ड्यूटी पहुंचा के आई है। मेरा काम है उसको लाना, क्योंकि वो स्पेशली बोल के गई है पापा मुझे स्कूल लेने आप आइएगा। तो गाइज ब्लॉग बढ़ाते हैं, देखते हैं आज डेली लाइफ में क्या क्या होता है, सब कुछ कैप्चर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। ब्लॉग पे बने रहिए। गुड मॉर्निंग बुटी, क्या बन रहा है आपका फेवरेट? और चावल और चावल दाल। और मम्मी डैडी लोग? अच्छा मम्मी डैडी लोग हैं। गाइस मम्मी पापा लोग बाहर हैं, क्या कर रहे हैं वो लोग? अच्छा नेताजी आए हुए हैं गाइस, ये देखिए पापा नेताजी के साथ बैठ के बात कर रहे हैं और मम्मी लोग यहाँ बैठी हुई है, करने दीजिए इन लोग को। तो गाइस सुबह सुबह ब्यूटी देखिए मेरे लिए मिक्स फ्रूट जूस लेके आई है, और उसके बाद सीधे ब्रंच करेंगे गाइस, नाश्ता का मन नहीं कर रहा है तो जूस पीते हैं और फिर आगे ब्लॉक को बढ़ाते हैं गाइस। चलिए गाइस किट्टू को लाने का समय हो गया, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, तो चलिए लेके आते हैं किट्टू को। क्या चाहिए आपको? दीजिए भाई इनको, क्या मांग रही है? ठंडा मत दीजिएगा भाई, हो गया पूजा है, गुरु महाराज का पूजा, अभी नहीं पीना ओके, ठंडा बहुत ज्यादा है। आप भी दीदी को लेने गए थे और आप दोबारा से किनावन खरीदवा लिया आपने? हाँ। क्यों? मुझे पसंद है। क्या पसंद है? बाल। अच्छा हेलो रितु, कैसा गया एग्जाम? हाँ क्या चीज का एग्जाम था आज? मैथ का। आपका भी एग्जाम था क्या? आपका थर्सडे का मंदिर का पूजा था। और ये देखो ये दो दो बार तो लेके खा रही है। दीदी को भी दे दो, मनाई हो पहले। अच्छा जब बात तो फायदा हो जाता है, अपनी छुट्टी में भी खरीदा लेती है, इसकी छुट्टी में भी खरीदा ले। यही बात है ना किट्टो, फायदेमंद तो तुम ही रहती हो। उसको नहीं भेजाने का मन रहेगा तो ये जबरदस्ती ले जाएगी कि दीदी चलो कुछ ले लेते हैं। इधर बैठो यहां पे। इसको कैची का साग बोलते हैं? नूनिया साग। नूनिया हैं? ज़्यादा ज़्यादा यहाँ बोलते हैं नूनिया बोलते हैं यहाँ तो। कहाँ उतरेगा? इसका इम्पोर्टेंस मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ गाइस। इसका इम्पोर्टेंस ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है ना। अजीब कैसे? घुमरी या पचासी वाली किलो? है कितनो? मम्मी इसका इम्पोर्टेंस बहुत होता है ना। हाँ बहुत जरूरी होता है। क्यों? अच्छा तो गाइस जो अभी साग हम आपको दिखा रहे थे, मम्मी ले रही थी वहाँ पे बाहर में, उसको नोनी का साग बोलते हैं हमारे बिहारी लैंग्वेज में। आई डोंट नो आप लोग के तरफ या फिर और आउटसाइड क्या बोलते हैं, बट हमारे यहाँ बिहार में नोनी का साग बोलते हैं गाइस। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वो इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि सैटरडे को यानी कल के बाद, कल नहा खाया है, सैटरडे को जुतिया पर्व है। जुतिया हर माँ अपने बेटे के लिए करती है, तो उस दिन मम्मी को बिल्कुल ही कुछ खाना पीना नहीं है, और उस दिन तो पानी भी नहीं पीते हैं बेटे, पानी भी नहीं पिया जाता गाइस। एक दिन का पूरा उपवास होता है, लोग करवा चौथ का व्रत रखते हैं, लोग तीज का व्रत रखते हैं, लोग बहुत सारा फास्टिंग करते हैं। तो ये वाला जो जितिया का पर्व होता है गाइस वो पूरे 24 घंटे का होता है, और मम्मी पूरे एक दिन का पर्व करने वाली है गाइस। वो बेसिकली अपने बेटे के लिए पर्व किया जाता है, तो सोच लीजिए इस साग का कितना इम्पोर्टेंट है। पानी पटाते हुए फूल में गाइस, ब्यूटी जी को काम मिला है। है ब्यूटी जी आपको काम मिला है आज? अच्छा जी अच्छा। ए दादी इतना काम कर बू है, बोलो ना गाइस, देखिए कितना मेहनत कर रही है।
गाइस बोलते बोलते रह रहे हैं लेकिन ये छोड़ नहीं रही है, ये इनको आज पूरा काम करना, छत पूरा बाहर के छोड़ेगी, पूरा छत बाहरेगी अकेले गाइस पूरा। गाइस पूरा अकेले करोगे तुम हैं? और क्या करोगे बताओ गाइस को, क्योंकि कल दिवाली आ रही है ना। दिवाली आ रही है गाइस, दिवाली आ रही है इसलिए पूरा काम कर रही है। तो क्या खाने बनाने की तैयारी चल रही है ब्यूटी जी? चावल रोटी और पनीर की सब्जी। आज पनीर की सब्जी खाएंगे, वाह। और आप क्या कर रही हैं मोहतरमा? मोहतरमा आज रो रही थी गाइस, आज रो रही थी, ये थोड़ा सा डांट खा गई इसलिए रो रही थी, है ना, है ना, कोई बात नहीं। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करता हूँ, आशा करता हूँ कि मेरा आज का ब्लॉग आपको पसंद आए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें गाइस। और गाइस ब्लॉग तो मैं अच्छा बना रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं औरों के ब्लॉग्स देखता हूँ, प्लीज़ हमें भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हमारे कर्ता धरता तो इस चैनल का प्लेटफॉर्म पे आप ही हैं, आप ही के करने से ही कुछ होगा गाइस, तो प्लीज़ सपोर्ट अस। एंड गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय गाइस।